ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज़, ठीक है, इनके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास यूनिट ऑफ ईआर, ईआर जो है ना वो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, सो नो यूनिट हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफेक्ट चार्ज पार्टिकल, अब इसमें अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, द मिनिमम चार्ज एन ई होता है और ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। फिर है देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रो कूलम्ब एंड 6 रेशियो ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स ऑफ वन ऑन टू बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ऑन बाय वन बॉडी, तो ये इक्वल होती है बट अपोजिट, ठीक है, तो 1:1। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन कूलम 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, बट अगर मालूम करना चाहो कि इज इक्वल टू एन ई है मेरे पास, ठीक है, और n मैंने मालूम करना है ना, q में 1 पुट करो, e में ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 पुट करो, इससे हमारे पास ये c वाली वैल्यू आती है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, k q बाई r स्क्वायर, r में अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0 देता है मेरे पास। चार्ज ऑफ प्लस 2 कूलम एंड माइनस 2 कूलम, एक प्लस है और एक मेरे पास क्या है माइनस है, v प्लस हो जाएगा और इसका इसका v माइनस हो जाएगा, तो चार इनके दरमियान ही हमारे पास जीरो होगी, ठीक है, मिड वे बिटवीन p एंड q। वन टू चार्ज एन इक्वल क्यू ईच फॉर दे एग्जर्ट ऑन ईच इज एफ, ठीक है, फिर कह रहे विच वन वन चार्ज ऑफ डबल इज डबल टू क्यू, ठीक है, अब जो चार्ज है वो टू एफ एग्जर्ट कर रहा है, तो दूसरा चार्ज भी उस पर टू एफ ही मेरे पास करेगा, ठीक है। फिर मेरे पास है कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू पोटेंशियल 3 वोल्ट, एनर्जी क्या, एनर्जी हमारे पास क्या होती है क्यू वी, क्यू मेरे पास 2 दे रहा है और वी मेरे पास 3 दे रहा है, और इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2-3-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो 9.6 आता है और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 मेरे पास हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर है कि थ्री चार्ज दे रहे, क्यू दे रहे हैं मेरे पास एक लार्जर क्यू और एक 4 क्यू, कह रहा है इफ इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो अब अगर मैं नेट फोर्स लूँ के इसका क्यू और ये बड़ा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अब लेंथ इसमें मेरे पास अगर ये टोटल लेंथ है तो इस और इसका लेंथ मेरे के पास क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, एल बाय 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, अच्छा एल बाय 2 का स्क्वायर, इसी तरह मेरे पास जो इसका है ये हो जाएगा के 4 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 4 क्यू और एक छोटा क्यू और नीचे L का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा। अब ये L का स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, 4 मेरे पास इसके साथ कट जाएगा, एक क्यू इसके साथ कट जाएगा, K के साथ क्यू जो है ना वो मेरे पास सिर्फ क्यू के साथ रह जाता है, बट फोर्सेज अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो माइनस क्यू भी मेरे पास आ जाएगा, ए ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट है। फिर है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस, इसको हम वोल्ट बाई मीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर है द पोटेंशियल एट अ ना ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो Q1 Q2 के बराबर है, ठीक है, डिवाइड बाय फोर्स और आर स्क्वायर, वो मेरे पास कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा न्यूटन और मीटर स्क्वायर, सो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल वी पूछ रहा है, सिंपल फार्मूले में पुट करो के क्यू बाई आर स्क्वायर मेरे पास, ठीक है, नो की वैल्यू पुट करो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, क्यू की वैल्यू पुट करो कितनी दी हुई है 10 की पावर माइनस 3 और आर की वैल्यू पुट करो 10 की पावर स्क्वायर, सो इससे हमारे पास जो आंसर बनता है 900 किलो वोल्ट। एन अल्फा पार्टिकल हैज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, इट मस्ट बी द सेपरेशन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सो दैट द आल्सो एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, अच्छा फिर हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या करना है इक्वल टू फोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन पे हमारे पास क्या फोर्स होगी के और ई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अल्फा पे हमारे पास क्या पार्टिकल क्या होगा हमारे पास के, उस पे चार्ज डबल होता है ना इसके, तो अगर इस पे 1 है तो ई का स्क्वायर 2 पे क्या हो जाएगा 4 ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ई स्क्वायर कट जाएगा, के कट जाएगा हमारे पास, अच्छा सॉरी हमने क्या करना, एक कैमरा अगर डिस्टेंस डी है तो वो डी प्राइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस ही मालूम करना है। अब डिस्टेंस सिंपल हमने मालूम करना है, डी का स्क्वायर है ना, अगर मैं इसका अब अगर लेट सपोज ये उस तरह डी स्क्वायर है, मैं तो सिर्फ डी मालूम कर, आएगा तो स्क्वायर रूट हमारे पास, ठीक है, अब स्क्वायर रूट जो आएगा
इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट अगर मैं डालूँ, अच्छा चलो मैं कर लेता हूँ, डी स्क्वायर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 4 टाइम, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं स्क्वायर डालूँ तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 4 का क्या होता है 2, तो डी जो है ना वो मेरे पास क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, 2 टाइम ऑफ डी ऑफ अल्फा मेरे पास आ रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 15 है, 15 में हमारे पास कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर विद कांस्टेंट चार्ज ए इन हियर बी इन अ मीडियम ऑफ डाई, अच्छा फोर्सेज मीडियम में हमारे पास होते हैं फोर्सेज इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर हमारे पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर कांस्टेंट चार्ज इन एयर, एयर में पूछ रहा है डिवाइडेड बाय इन अ मीडियम, तो जो ई आर है वो उस साइड में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो के रेशियो 1 हमारे पास इसमें आ जाएगा। द फोर्स ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10^6 फोर्स ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, अब चार्ज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इसने मांगी हुई है हमसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है हमारे पास 10^6 पुट करो, क्यू हमारे पास क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे हमारे पास आंसर आता है 1.6 × 10⁻³ न्यूटन। फिर है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर हमारे पास होता है, ठीक है, डी ऑप्शन नेगेटिव दे देता, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो फिर हम नेगेटिव डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर हम पुट करते हैं। फिर है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई एयर इज 4 न्यूटन वन सेपरेटेड बाई मीडियम ऑफ परमिटिविटी 2, अच्छा 4 है तो, और क्या कह रहे हैं परमिटिविटी 2 कर रहा हूँ, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा वो डिवाइड कर दिया करो, 2 ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर है 5 MΩ रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद द 2 μF टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है आर सी के बराबर है, ठीक है, आर मेरे पास दे रहा है 5 MΩ, मेगा में होता है 10^6 और वो दे रहा है 2 μ भी 10^-6 ये कर देगा 5 × 10, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द डायग्राम शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 चार्ज पैरेलल प्लेट वी कंक्लूड दैट, तो देखो ना ये अब सेम लाइन है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम होगी, तो एक्स की भी सेम होगी, वाई की, जेड की, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हमने एक MCQs छोड़ दिया, ठीक है। 21 इन द टाइम कॉन्स्टेंट आरसी सर्किट हाउ मच चार्ज स्टोर आउट ऑफ मैक्सिमम चार्ज, फर्स्ट सेकंड में कह रहा है ना, फर्स्ट सेकंड में हमारे पास कितना होता है 63% या 0.63 ऑफ इनिशियल क्यू नॉट आप कह सकते हो, ठीक है। सो इस यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो है कि MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।